लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और DHIFL के प्रमोटर्स कपिल वधावन एवं धीरज वधावन के 2,200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह जब्ती की गई है। ईडी ने राणा कपूर की जो संपत्ति जब्त की है उनमें मुंबई के पेदार रोड पर एक बंगला है। इसके अलावा मुंबई के मालाबार हिल इलाके में 6 फ्लैट्स भी जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर कपूर की 48 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अब ईडी के कब्जे में है। साथ ही न्यूयॉर्क की एक प्रॉपर्टी और लंदन की 2 प्रॉपर्टी, ऑस्ट्रेलिया की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी और 5 लग्जरी कार भी ईडी ने अटैच कर ली है। बताया जा रहा है कि ईडी अगले हफ्ते सेंट्रल लंदन की प्रॉपर्टी के साथ साथ राणा कपूर की 50 करोड़ रुपए की एफडी भी जब्त कर लेगी। लंदन की प्रॉपर्टी जब्त होना इस मामले में पहली विदेशी संपत्ति है। ईडी ने 6 मई 2020 को राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की जांच के तहत ही ईडी एसेट्स जब्त कर रहा है। ईडी की ओर से यस बैंक मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिका की जांच की जा रही है। इसमें 3,700 करोड़ का लेन देन जांच के दायरे में है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि DHIFL ने यस बैंक से कर्ज लेने के लिए बैंक के संस्थापक राणा कपूर के परिवार की कंपनियों को 600 करोड़ रुपए घूस में दिए थे।